आज के वीडियो में मैं बात करूंगी अपनी बुक के बारे में द बिग बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट हाउ राकेश हिंजनवाला मेड हिज फॉर्च्यून और इस बुक को मैंने को ऑथर किया है मेरे कॉलीग नील बोराटे के साथ हु इज डेप्यूटी एडिटर एट मिंट एंड आदित्य कोंडावर इज पार्टनर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ की अकाउंट्स एट कंप्लीट सर्कल कैपिटल पेंग्विन हमारी बुक का पब्लिशर है इस बुक को लिखने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास अगस्त में आई थी लेट अगस्त में आई थी और सेप्टेम्बर ऑनवर्स ही हमने इस बुक पर काम करना शुरू कर दिया था हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे क्योंकि वी रीच आउट टू सो मेनी पीपल एंड लॉट ऑफ पीपल रिफ्यूज़ टू टॉक टू अस बट वी केपट एट इट हमने अपने एफ़र्ट्स को ऑन रखा और फाइनली हम इस बुक को लिख पाए बाय फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इसके बाद प्रूफ रीडिंग एडिटिंग को होते होते कुछ टाइम लगा एंड बाय द लास्ट वीक ऑफ मार्च वी ऑलरेडी हैड आर कॉपी हमारी जो बुक थी वो प्रिंट हो चुकी थी और हमारे पास पहुंच चुकी थी हमारी बुक का जो लॉन्च है वो ट्वेंटी फोर्थ को हुआ मैं आपको इस बुक के चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी पहला अ अब ब्रीफ अबाउट द बुक सो आवर बुक इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स फर्स्ट पार्ट फोकसज़ ऑन राकेश झुंडनवालाज़ अर्ली लाइफ हाउ ही एंटर द स्टॉक मार्केट उनका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट कैसे आया और कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने आप को ग्रो किया हाउ डिड ई टर्न सो बिग उनको इतना सारा फेम कैसे मिला ये सब हमने पार्ट वन में एक्सप्लेन किया है पार्ट टू इज़ अबाउट सक्सेस एंड फेलियर ऑफ राकेश झुंडनवाला उनके जो सक्सेस इन्वेस्टमेंट्स थे जैसे कि टाइटन क्रिसिल लुपिन हमने इन स्टोरीज़ को काफ़ी डिटेल में लिखा है कि आखिर राकेश झुंडनवाला को ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ कैसे आए और उन्होंने कैसे कैसे कब कब अपनी स्टेक्स को बढ़ाते गए इन कंपनीज में इसके अलावा उनके फील्ड इन्वेस्टमेंट जैसे कि डी एच एफ फिल्ड ए टू जेड इंफ्रा मंदना रिटेल वेंचर्स इन कंपनीज में उनको कैसे फेल्योर देखनी पड़ी उसके बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल में बताया है थर्ड पार्ट टॉक्स अबाउट वॉट टू लर्न फ्रॉम राकेश झुनवाला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉट नॉट टू लर्न फ्रॉम राकेश झुनवाला आप राकेश झुनवाला को ऐसे ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते आपको उनसे क्या नहीं सीखना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है जो हमने काफ़ी डिटेल में अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है Second, हु शुड रीड दिस बुक अब अगर आप राकेश झुंझुनवाला को काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो और उनको काफ़ी क्लोजली जानना चाहते हो तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए इसके अलावा अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो या स्टूडेंट हो और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी अभी सीखना शुरू किया है तो भी आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि राकेश झुंझुनवाला एक यूनिक पर्सनैलिटी थे और अगर उनकी विजडम से आप सीखते हो तो आपको एक अच्छी अर्ली स्टार्ट मिलेगी और आपका स्टॉक मार्केट नॉलेज को एक अच्छा बेस मिलेगा सो इसीलिए आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए इसके अलावा हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स भी डाले हैं इस बुक में जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे थर्ड वॉट आई लव द मोस्ट अबाउट द बुक सो इट्स अ फेयरली कॉम्प्रिहेंसिव बुक इट्स नॉट जस्ट अ बायोग्राफी इट्स नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट लेसन इट हैज एवरी थिंग फॉर ऑल तो अगर आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हो उसके बाद भी आपको इस बुक में ऐसी कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि पब्लिकली डिस्कस नहीं हुए हैं राकेश रंजुन वाला एक पब्लिक पर्सनालिटी थे उनका जो भी नॉलेज था दिस इज़ आउट देयर इन मीडिया इन डिफरेंट वीडियोस। लेकिन उसके बावजूद हमने कई सारे ऐसे लोगों से बात की है ऐसे सोर्सेज से बात की है और हमने कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली हैं जो कि आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं होंगी और इस बुक में ज़रूर मिलेगी जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ सो वन ऑफ सोर्सेज टोल्ड मी दैट हर्षद मेहता एडमायर्ड राकेश जंझुनवाला ये दोनों बहुत बड़े राइवल्स थे लेकिन उसके बावजूद मेहता के मन में एक एडमिरेशन थी फॉर राकेश रंजुनवाला बिकॉज नॉट मैनी ट्रेडर्स कैन बिकम इन्वेस्टर ओवर नाइट और इवन बाई प्रैक्टिस बट राकेश झुंझुनवाला कुड डू इट अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप इन्वेस्टमेंट

उनमें से भी कई सारे लोगों ने यह बोला कि वो बात नहीं कर सकते अनलस फैमिली कम्स फॉरवर्ड एंड टॉक टू अस तो इसीलिए हमको सोर्सेज फाइंड करने में काफ़ी ज्यादा प्रॉब्लम हुई बट बींग जर्नलिस्ट वी कुड स्टिल फाइंड पीपल हु स्पोक टू अस ऑफ रिकॉर्ड एंड एडेड वैल्यू टू आर बुक सो दिस हैज बीन रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस बट ऑफकोर्स हैड फैमिली स्पोकन टू अस द बुक कुड हैव बीन इवन बेटर हमें पिक्चर्स भी मिल सकती थी हमने वी डिड ट्राई हार्ड टू गेट पिक्चर्स ऑफ राकेश झन डिफरेंट फेजिज लेकिन वो भी नहीं हो सका सो दीज आर कपल ऑफ फेसिस वेयर वी बुक को ऑलरेडी बहुत अच्छा रिसेप्शन मिल चुका है इट्स अवेलेबल ऑन एमेजॉन इट्स अवेलेबल एट डिफरेंट बुक स्टोर सो डू गो एंड बाय दिस बुक एंड रीड इट एंड शेयर योर फीडबैक विद एस